हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन आर पता है सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन दिस विल बी स्टार्टिंग द सिक्स स्पेसिफिक इक्वल इब्रियम कंडीशन एज वेल एज विल बी सींग दिवसियर क्वेश्चन एज वेल सो इसके कुछ फीचर्स होते हैं फर्स्ट फीचर इज़ कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पटिशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं होते कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट होता ही है ठीक है एंड एंट्री बैरियर एग्जिस्ट करते हैं बट वो बहुत कम होते हैं ज़्यादा एंट्री बैरियर नहीं होते एज़ इन द केस ऑफ मोनोपली ठीक है और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं होता लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में जो सिचुएशन रहती है दैट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर सो दैट इज़ वाई जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है दैट इज़ ऑल्सो सेट ब्रेक इवन आउटपुट रहता है और हैंगिंग आउटपुट रहता है मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन में सो द सेम थिंग इज रिटन लॉन्ग रन के अंदर फॉर्म्स जो हैं वो ना तो प्रॉफिट कमाती हैं ना लॉस कमाती हैं इसलिए जो फॉर्म्स जो जैसे अगर हम परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली में भी बात करते हैं ओलिगोपोली में अगर बात कर लें ओलिगोपोली इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो फॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाती हैं जब आती हैं तो वो फिर क्या होता है फॉर्म्स जब आती हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब बहुत सारी फॉर्म्स आती थी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना बंद हो जाता है दैट इज़ द केस बट इस केस में जैसे लॉन्ग रन की बात करें तो फॉर्म्स एंटर कर चुकी हैं और नो प्रॉफ़िट नो लॉस के अंदर उनको उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो मार्केट के अंदर एंटर करें अंटेनेस कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो तो लॉन्ग रन में सिंस नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सिचुएशन रहती है तो कोई इंसेंटिव नहीं है कि दूसरी फॉर्म्स एंटर करें और वो कोई मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करें सो दैट इज़ द थिंग इन मोनोपोलिस्टिक कि वो, वो नो प्रॉफ़िट नो लॉस की सिचुएशन में आना नहीं चाहती हैं लॉन्ग रन में और हर एक फॉर्म जो है उसकी प्राइज मेकिंग कैपेसिटी होती है क्योंकि जैसे कि आपने देखा है इसमें ये जो हमारा स्लोप uh, होता है डिमांड का दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट जितना इतना स्टीपर नहीं होता है, जितना मनोपली में होता है इसमें थोड़ा कम स्टीपर होता है थोड़ा सा फ्लैटर होता है एज़ कम्पेयर टू मनोपली बट इसके अंदर प्राइज मेकिंग पावर होती है फॉर्म्स के पास अनलाइ परफेक्ट कॉम्पटिशन जिसके अंदर जो हमारा डिमांड का वो है वो पूरा इलास्टिक होता है इसमें पूरा इलास्टिक नहीं होता और बिल्कुल इनलास्टिक भी नहीं होता मोनोपली जैसा भी नहीं होता इट इज़ लिडल फ्लैटर बट नॉट इलास्टिक ठीक है और इसमें नॉन प्राइज कॉम्पटिशन भी रहते हैं नॉन प्राइज कॉम्पटिशन मैंने फॉर्म्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट यूज़ करती हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके ठीक है एंड ना तो इसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है ना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है एंड व्हाट इज़ एलोकेटिव एफिशिएंसी एलोकेटिव एफिशिएंसी इज़ जब हमारा प्राइस एमसी के बराबर होता है बट यहाँ पे प्राइस हमेशा एमसी से ज़्यादा होता है सो दैट इज़ वाई इसमें कोई एलोकेटिव एफिशिएंसी होती नहीं है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब एसी जो है वो हमेशा एमसी से बड़ा होता है सो so उस केस में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी नहीं होती है और इसमें प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वो भी हाई होती है ठीक है और जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था मनोपली में मनोपली में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है ठीक है बट यहाँ पे जीरो नहीं होती क्योंकि वहाँ तो कॉम्पिटिटर्स होते ही नहीं हैं यहाँ पर तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं मनोपली में तो जीरो कॉम्पिटिशन है तो क्रॉस प्राइज़ इलास्टिसिटी होएगी नहीं बट के केस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं इसलिए क्रॉस प्राइज़ इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है ठीक है सो ये दो कंडीशन हैं एक तो शॉर्ट रन इक्वलिब्रियम विद मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक लॉन्ग रन इक्ोलिब्रियम शॉर्ट रन में आपको दिखा रखा है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो दोनों टेन नहीं है तो इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो एवरेज कॉस्ट बहुत कम है और प्राइस ज़्यादा मिल रहा है प्राइज़ ग्रेटर देन Uh, हमारा आव, जो दिस इज़ द प्राइस ये रहा प्राइस हमारा और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है इट इज़ एट दिस पॉइंट सो प्राइस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है दैट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट यहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे प्राइस इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है मतलब नो प्रॉफ़िट नो लॉस वाली सिचुएशन है ठीक है शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरी फॉर्म्स जो है वो एंटर करती हैं बट लॉन्ग रन में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है इन दैट केस एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज चेंजिंग टू एवरेज रेवेन्यू कर्व ठीक है शॉर्ट रन में monopolistic के केस में जो हमारा प्राइस है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो पी वन इज़ अ प्रॉफ़िट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इन क्यू वन इज द इकोलिब्रियम आउटपुट ठीक है सो इसमें इकोनॉमिक इनफिशेंसी रहती है इकोनॉमिक इनफिशेंसी का मतलब क्या है प्राइस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एमसी, ठीक है एमसी से ज़्यादा होता है इकोनॉमिक इनफिशेंसी रहती है जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हो प्राइज़ एम से तो बड़ा ही है एम इज दिस तो प्राइज़ एम से ज़्यादा है इन दैट केस इट इज़ इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है जहां पर हमारा एम और एम दोनों मीट करते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हो जाती है और यहाँ पे जो है मार्केट कंट्रोल भी होता है फॉर्म्स के पास बिकॉज जैसे कि आप देख पा रहे हो एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल का डबल होता है और मार्जिनल जो है वो एआर का हाफ होता है सो so, यहाँ पे सिंस हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है सो इन दैट केस जो मार्केट का कंट्रोल है वो फॉर्म्स के पास होता है बट अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है इट इज़ ऑलवेज इलास्टिक तो उसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता प्राइस को कंस्ट्रक्ट uh, करने में प्राइस इज़ ऑलवेज डिटर्मिन जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई मीट करती है वहाँ से प्राइस डिटर्मिन होता है फॉर्म्स के लिए तो वहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फॉर्म्स क्या होती हैं प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइज़ मेकर बट यहाँ पे फॉर्म्स के पास कंट्रोल होता है कि वो अपने प्राइस को खुद से सेट कर पाएँ और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस क्या है इट इज़ एट दिस पॉइंट विच इज़ एट एआर और जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है इट इज़ दिस ये एवरेज टोटल कॉस्ट ये एवरेज टोटल कॉस्ट सो तो प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो इन दैट केस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स रहते हैं ठीक है अगर ये ए और हमारा ए दोनों टेंडेंट हो जाएँ, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा बट यहाँ पे प्राइस, मतलब जो हमारा ए आर है वो ज़्यादा होता है कॉस्ट कम होती है तो कॉस्ट कम है तो मतलब पता चल ही रहा है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है और एक्सेस कैपेसिटी भी रहती है क्योंकि जो हमारा टोटल कॉस्ट है मतलब ए सी मान लो जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है मतलब दिस एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एम सी एम सी इस पॉइंट पर है और हमारा ए सी जो है दिस इज ए सी एंड दिस इज एम सी हमेशा ए सी जो है वो एम सी से ज़्यादा होता है तो इन दैट केस देर इज़ एक्सेस कैपेसिटी और ऐसा क्यों होता है कि वो एवरेज टोटल कॉस्ट को ज़्यादा रखते हैं एमसी से क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि दे दे डोंट वांट टू सेल ज़्यादा क्वांटिटी बट वो कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बेचना चाहते मोनोपलिस्ट तो वो सोशली एफिशिएंट या ऑप्टिमल पॉइंट पे नहीं बेचना चाहते रादर दे क्रिएट अ प्राइज दैट इज़ हायर एंड दे वॉन्ट सेल एट लो लोअर कोांटिटी को बेचना चाहते हैं ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं सो देर इज़ एन एक्सेस कैपेसिटी और अगर हम बात करें इफ दिस इज़ द सोशली ऑप्टमल क्वान्टिट्टी उस पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे एम सी और ए सी मीट कर रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं बट यहाँ पे उनको कम प्राइज और ज़्यादा क्वान्टिटी बेचनी पड़ेगी ठीक है अगर वो ऐसा करते हैं तो इसलिए यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे दिस इज़ बेसिकली एक्सेस कैपेसिटी कि वो एक्सेस कैपेसिटी होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक के अंदर और अगर हम बात करें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इज़ लाइक वो हमेशा जो मोनोपोलिस्ट हैं वो कहाँ पे बेचना चाहते हैं दे द सेल एट दिस लोअर पोर्शन ऑफ ए सी के यहाँ पे इस पोर्शन में जहाँ पे फॉलिंग ए सी है यहाँ पर बेचना चाहते है राधर देन ह्योर दे ट्रांस एल एट दिस पोर्शन ठीक है सो दैट इज देयर कि जहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट उस पोर्शन पे बेचना चाहते है राधर देन एट दिस पोर्शन जहाँ पे ए सी ज़्यादा और एम सी कम है एम सी ज़्यादा और ए सी कम है उस पोर्शन पे बेच के कोई फायदा नहीं है वो डिस ऑफ स्केल वाला पोर्शन हो जाएगा जहाँ पे फॉलिंग ए सी है और इंक्रीजिंग एम सी है वहाँ पर बेचने की कोशिश करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ पोर्शन जहाँ पर इकोनमीज ऑफ स्केल मिलता है ठीक है सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ द लॉन्ग रन एक विद विध मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जिसमें बता रखा है कि अब यहाँ पर क्या होता है लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में हमारा ए सी जो है वो ए आर के साथ क्या कर जाता है मीट कर जाता है सो इट इज़ दैट दैट पॉइंट यहाँ पे ए सी और ए जो है वो मीट कर जाता है और कोई नो no, uh, कोई प्रॉफिट नहीं होता सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता इट इज़ एट द सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है ठीक है सो दैट इज़ देयर अब इसमें सिक्स फीचर्स पढ़ लेते हैं सिक्स बेसिक इक्वलिब्रम कंडीशंस जो कि हम लॉन्ग रन में अचीव कर सकते हैं इन द केस ऑफ मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इनफिशेंसी मतलब प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन एम ठीक है प्राइस ज़्यादा होता है हमारा एम सी से दैट इज़ इकोनॉमिक इनफिशेंसी ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन वही जहाँ पे हमारा एम सी मीट कर जाते हैं मार्केट कंट्रोल जब ए आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एम आर एम आर हाफ होता है ए आर ज़्यादा होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब मार्केट में उनका कुछ ना कुछ प्राइस को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है दे आर प्राइज़ दे आर नॉट प्राइज़ टेकर्स प्राइज टेकर्स के केस में जो कि हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पड़ा था उसमें डिमांड का इज़ ऑलवेज इलास्टिक इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है जिसका मतलब ये है कि वो प्राइस जो है वो खुद से बनाते हैं बिकॉज दे हैव द मार्केट कंट्रोल और ब्रेक इवन आउटपुट जहाँ पे हमारा लॉन्ग रन जो हमने देखा था लॉन्ग रन का द डाइगन दैट वी सीन अर्लियर कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और ए सी जहाँ पर मीट कर जाते हैं वहाँ पे हमें मिल जाता है इफ़ दिस इज़ द कर्व एवरेज रेवेन्यू और हमारा ए सी जहाँ पर इंटरसेक्ट या टेन हो जाते हैं वहाँ पे वी गेट द ब्रेक इवन आउटपुट और एक्सेस कैपेसिटी की अगर बात करें एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पे होती है जब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन जैसे कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एवरेज कॉस्ट है दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट एट दिस पॉइंट और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है सो एवरेज कॉस्ट हमेशा मानुअल कॉस्ट से ज़्यादा होता है ठीक है सो दैट मीन्स देर इज़ एन एक्सेस कैपेसिटी वैसे तो वो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एम सी पे बेच सकते हैं बट दैट इज अ सोशली ऑप्टिमल आउटकम ये जैसे अगर ए सी हमारा एम सी के बराबर है ये अगर हमारा ए सी एम सी के बराबर है इट इज़ द दोशली ऑप्टिमल आउटकम बट वो ट्राई करते हैं कि वो बेचें ज़्यादा प्राइस पर और कम क्वान्टिटी बेचें अगर ये वाली क्वान्टिटी होगी तो मतलब कम प्राइस और ज़्यादा क्वान्टिटी बेचनी पड़ेगी ना सो so, वहाँ पे क्या होगा ऐसा अगर कुछ होगा तो ऐसा नहीं होता सिंस तो इसलिए एक्सेस कैपेसिटी रहती है विच इज़ दिस एरिया इट इज़ दिस एक्सेस कैपेसिटी वाला एरिया ठीक है सो दिस इज़ द एक्सेस कैपेसिटी विच एग्जिस्ट इन मनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ लाइक इसमें इकोनॉमीज़ और स्केल रहते बिकॉज हमारा एवरेज कॉस्ट जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज ग्रेटर दैन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ठीक है जहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से इट इज़ एट दिस पॉइंट जहाँ पे एवरेज कॉस्ट ये है मार्जिनल कॉस्ट ही है तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से और ये हमेशा एव जहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं बिकॉज अगर एवरेज कॉस्ट के यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो डिसकोनमीज ऑफ स्केल होगा मतलब उसकी इंक्रीजिंग कॉस्ट जब हो रही होगी वहाँ पे प्रोड्यूस करने की बजाय जब वहाँ पे डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है वहाँ पे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलता है कि क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी तो कम हो रही है बट उसके इस रीजन में नहीं करेंगे विच इज दिस रीजन ठीक है इट वॉन्ट बी एट दिस रीजन बिकॉज यहाँ पे क्या होगा डिसकोनमीज ऑफ स्केल मिलता है ठीक है आई होप आपको सब समझ में आया होगा सो लॉन्ग रन में क्या होता है यही चीज़ बता रहा है कि शॉर्ट रन में तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है इट इज़ थोड़ा सा स्लाइटली इलास्टिक बाद में ये इनवर्ड मूव हो जाता है एंट्री होती जाती है होती जाती है तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व है दैट मूव्स इनवर्ड ये अंदर की साइड हो जाता है एंड इट बिकम्स टेंजेंट टू ए सी ठीक है सो उस केस में जब ये ए सी से टेंजेंट हो जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है ठीक है सो दीज आर द फ्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दैट वर आज प्रीवियसली इट वन क्वेश्चन वॉज आज इन टू थाउजेंड थर्टीन जून पेपर टू द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विशिंग करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कौन से कौन से हैं तो हमने पढ़ा यह प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है कि कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस रहता है प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते और नॉन प्राइज़ कॉम्पटिशन भी होता है नॉन प्राइज मतलब मैंने अभी बात करी थी पहले फॉम्स क्या करती हैं एडवर्टीज़मेंट करती है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए और लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी रहता है बट तो लॉन्ग रन में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और फॉर्म्स की इंटर डिपेंडेंसी नहीं होती है दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ओलिगोपली ठीक है सो अकॉर्डिंगली ये तीन जो हैं दीज आर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड फोर्टीन दिसम्बर पेपर टू द क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंडीशन सपोर्टिंग लॉन्ग रन इकोलिब्रियम इन मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन सो कौन सा जो है वो सपोर्ट करता है लॉन्ग रन लॉन्ग रन में अभी हमने बात करी थी कि क्या होता है इफ़ दिस इज द डिमांड कव एंड दिस इज द एम आर कव एंड इसको हम ए आर भी बोलते हैं सो इफ दिस इज द एवरेज कॉस्ट कव जो है से टेंजेंट हो जाता है और हमारा जहाँ पे एम सी एम आर है वो मीट कर जाता है सो इन दैट केस वी गेट हमें क्या मिल जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सो अकॉर्डिंगली ये कंडीशन जो है वो सेटिसफाई हो जाती है हमारी लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड फोर्टीन दिसंबर पेपर थ्री द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स फर्स्ट इज फ्री एंट्री होती है अभी हमने बात करी थी और एडवर्टीजमेंट नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन भी होता है सो दिस टू आर करेक्ट गोल ऑफ सैटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं होता सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड सेकेंड जो है दे आर द करेक्ट ऑप्शन सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन दिसम्बर पेपर टू द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन फॉर्म्स आर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में वो मैक्सिमाइज कर पाते हैं प्रॉफिट को इज इट प्राइज लीडरशिप नहीं काटल नहीं एट द किंग पॉइंट नहीं मोनोपोलिस्टिक के अंदर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं ये सारे जो हैं ये ओलीगोपली फॉर्म्स हैं ओलिगोपली जहाँ पे जो कि क्ल्यूसिव है काटल इज अ कल्यूसिव फॉर्म तो पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ता है एक फॉर्म का प्रॉफिट नहीं बढ़ता मोनोपोलिस्टिक के अंदर they try and uh, maximize their own profit okay so accordingly force joy that's the correct option and this was a question that was asked in 2016 july paper 2 the question is consider the following statements regarding the long run equilibrium in monopolistic market a is firms are in no profit no loss situation second is there is no entry or exit in the firm which among the

होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैनी बायर्स बट वन सेलर सो इसका एसेंशियल कंडीशन जो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंसीशन प्रोडक्ट की डिफ्रेंसी होती है ठीक है सो ये हम पढ़ भी चुके हैं होमोजीनियस तो होती ही नहीं है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है दैट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनोपली मोनापली में थ्री डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन मोनोपली में, में होता है मैनी बायर्स बट वन सेलर ये भी मोनोपली का करेक्टरिस्टिक है ठीक है सो अकॉर्डिंगली सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड सेवेंटीन नवम्बर पेपर टू द क्वेश्चन इज अ फर्म इन मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटेटर नहीं गलत है ये शिफ्ट द डिमांड का फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट ये भी सही नहीं है मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक अगर लेस प्राइस इलास्टिक होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे उसे सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे विच इज़ ऑल रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय